ये जो हमने समय चालीन जीवन दरगाह रामकृष्ण लय की छोड़ी से, ये पहले हमारी एक ये कर्नाटका मुस्लिम चेंबर कमेटी करके चीज हमारी है कि हम इदारे से चला रहे थे ये, और हमारे जतुल्ला भी यहाँ चल रही थी उन्हें से ये सेवा तो दी कर रहे थे। उसके बाद में क्या होगा वो कमेटी कौन भी ज़्यादा रिक्स नहीं लेने की वजह से और कौन भी उसका तजवा नहीं देने की वजह से वो क्या करते हैं, एक छोकरे को दिए थे मैं चलाने हम सद्दाम कर सद्दाम जब उससे गया था मेंटेनेंस पूरा उन्हें कर रहा था। बात करने के बाद भी मालूम हुआ क्या क्या खादी था, उन्हें भी एक साल से खुड़ गई थी वो खुड़ने की वजह से कहीं को खुंडा करके क्या कर रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं हमारी कमेटी के तरफ से कर्नाटका मुस्लिम अखबार कमेटी के तरफ से हमें क्या करें दरगाह को क्या करें डोनेट करिए अब यहाँ से क्या करें एक हमें पूरे मैं भी एक कमेटी बढ़ाने के एक सदर होने की वजह से हमें पूरे जन क्या करते सिटी को है ना एक फ्री सर्विस देना करके दरबार की तरफ से करना करके एक आम छोड़ना करके वो हमारी कमेटी लगा के देने से हमें है ना छोड़ कर यहाँ से स्टार्ट करना करके हमें कार्रवाई ये कर्नाटका मुस्लिम वेलफेयर कमेटी की तरफ से एम्बुलेंस चलने पर थी वो कमेटी बहुत दिनों से जरा पेंडिंग रहने की वजह से है ना दरगाह शालीम जीवन दरगाह को है ना उन्हें ट्रांसफर करनी है। इसके बाद से है ना यहाँ शालीम जीवन दरगाह की कमेटी की वजह से उसका जो भी अखराज आप सभी जुड़ने से लोकल यहाँ चप्पो से तो भी घर से आज के आस पड़ोस से लोकल घर को लग जाने के वास्ते घर से यहाँ आने के वास्ते कमेटी वाले का राबिता देती उनके नंबर्स देती या दरगाह कमेटी के कौन से भी मोहन साहब होंगे इमाम साहब होंगे जितने भी कमेटी वाले हैं उनके कमेटी के नंबर देती वो नंबर को राबिता कायम करके एम्बुलेंस इस्तेमाल कर सकते ये दरगाह शालीम जान कमेटी की तरफ से इंशाल्लाह इसके बाद से है ना ये एम्बुलेंस रन होती है।